एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लासेस में हमने सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया था कि सेंटेंस हमारे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर तीन टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। इसी प्रकार हमारे सेंटेंस को हम सेंटेंस को पांच भागों में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो आज हम अकॉर्डिंग टू फंक्शंस जो पाँच टाइप से हमारे सेंटेंस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उनमें पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। पहला होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। दूसरे नंबर पे आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दूसरे नंबर पे क्या आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरे नंबर पे आता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथे नंबर पे आता है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक पांचवें नंबर पे आपका जो बच गया वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर है ये चीज़? यानी कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन अगर हम सेंटेंस को कैटेगराइज करें तो उनके जो टाइप बनते हैं वो पांच बनते हैं। एक होता है असर्टिव, सेकंड होता है इंटेरोगेटिव, तीसरा होता है इम्पेरेटिव, चौथा होता है एक्सक्लामेटरी और पांचवा होता है कौन सा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम इनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस होता है ये होते हैं सभी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है अफर्मेटिव जिसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, दूसरा जो होता है वो होता है नेगेटिव। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, नेगेटिव जिसमें नॉट आता है, जिसमें निगेशन की बात की जाती है, जैसे राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स मैंगो। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो ये होगा राम डजंट ईट मैंगो। तो हमारा जो असर्टिव सेंटेंस होता है ये दो टाइप का होता है, एक तो पॉजिटिव जिसको हम अफर्मेटिव बोल सकते हैं, दूसरा होता है नेगेटिव। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम प्रश्नवाचक जिसको हिंदी में बोलते हैं दो टाइप के होते हैं, या तो क्वेश्चन होता है यस नो से, ठीक है, जिसका आंसर आप यस या नो में देते हैं, एक तो वो क्वेश्चन होता है और एक दूसरा होता है डब्ल्यू एच फैमिली क्वेश्चन। जो डब्ल्यू एच फैमिली वाले क्वेश्चन होते हैं इनका आंसर आपको डिटेल में बताना पड़ता है। जो डब्ल्यू एच फैमिली वाले क्वेश्चन होते हैं इनका आंसर आपको डिटेल में समझाना पड़ता है, लेकिन जो क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, नॉर्मली जो क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट होते हैं जिनका आंसर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, उनको हम येस नो क्वेश्चन बोलते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जितने भी ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट की जाती हैं, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, ध्यान रखना ये डायरेक्ट ऑर्डर होते हैं, डायरेक्ट एडवाइस और डायरेक्ट रिक्वेस्ट होती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इनके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जो कि अंडरस्टूड होता है और लिखा या बोला नहीं जाता। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को अगर पहचानना हो तो उसमें एक्सक्लेम का जो निशान होता है, ये एक्सक्लामेशन मार्क, ये हमेशा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होता है। एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होते हैं जैसे कि हुर्रे या अलास, ये सभी वर्ड आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में मिल जाते हैं। लास्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें आप विशेज या ब्लेसिंग्स की बात करते हैं,
जैसे मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, अकॉर्डिंग टू फंक्शन हमारे सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।